गाइस, मैं हूं नवाब केदानी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि टोकन पॉकेट वॉलेट किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है और मेटाफोर्स में किस तरह से ज्वाइनिंग की जाती है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से टोकन पॉकेट डाउनलोड कर लेना। टोकन पॉकेट आसानी से डाउनलोड हो जाएगा प्ले स्टोर से। जैसे ही डाउनलोड होता है तो उसको आप ओपन करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था, तो ये मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद इसमें तीन ऑप्शन आ रहे हैं, आई हैव एन अकाउंट, नो अकाउंट और कीप ऑल। इसमें हमारा पहले से अकाउंट कोई नहीं है, तो हम यहाँ पर करेंगे नो अकाउंट, क्रिएट नाउ। और उसके बाद यहाँ पर हमें जो है नेटवर्क सेलेक्ट करना होगा कि कौन से नेटवर्क में आप वॉलेट बनाना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है पॉलीगॉन मेटिक, पॉलीगॉन मेटिक पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद सबसे ऊपर क्रिएट वॉलेट, क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करेंगे। तो देखें जी, यहाँ पर ऑप्शन आ गया है और यहाँ पर सबसे ऊपर हम अपना नेम सेट कर सकते हैं। तो फर्ज़ करें मैं अपना नेम यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, नवाब। और उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग लगाना है, जैसे कि मैं लगा लेता हूँ नवाब, नवाब 1 2 3 4 प्लस। और सेम पासवर्ड आपको नीचे देना है, कैपिटल भी हो और इसमें इस्तेमाल भी हो और आगे डिजिट भी हो, नवाब 1 2 3 4 प्लस। तो ये हमने लगा दिया, नाम लिख दिया और पासवर्ड दे दिया। उसके बाद नीचे है आई हैव रीड केयरफुली एंड एग्री विथ, इसको टिक करना है। उसके बाद आपको क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्रिएट वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टर्म्स कंडीशन आएगी, इसको नीचे करके आपको गॉट इट पर क्लिक करना है। और गॉट इट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसको आपको टिक करना है, तीनों को टिक करके आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको सीक्रेट फ्रेज दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके ये वॉलेट है, इसकी चाबी है। इसको आप यहाँ से कॉपी करना है, ये आपको जो है ना किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, इसको कॉपी करके कहीं पर महफूज कर लेनी है। तो मैंने इसको कॉपी कर ली है, इसमें कुछ 12 वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ इसको मैं जो है ना किसी मैसेज में फ़िलहाल पेस्ट कर देता हूँ, फिर इसको सिक्योर कर दूँगा। तो जी, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए मैसेज में फ़िलहाल, और उसके बाद मैं आगे चला जाता हूँ टोकन पॉकेट में। और यहाँ पर कंप्लीट बैकअप नाउ का ऑप्शन नीचे आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें आगे पूछ रहा है कि आपके पास कौन सी की थी, उसको सिक्वेंस में लिखें, जैसे कि नंबर 1 पर कौन थी, नंबर 2 पर कौन थी। तो ये हम यहाँ पर मैसेज में देख लेते हैं, नंबर 1 पर लेज, तो यहाँ पर हम लेज को सेलेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद नंबर 2 पर क्या थी, ग्लू मेक इन्फ्लेक्ट, ग्लू मेक इन्फ्लेक्ट शॉर्ट गैलरी एरर, चनफ्लेक्ट के बाद क्या था वो देख लेते हैं, केचअप शॉट। एरर फिंगर आर्न, अब सेकंड से मैंने लिख दिया। उसके बाद आगे कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं तो हमारा वॉलेट बन जाता है। गॉट इट पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा वॉलेट बन गया है। ये वॉलेट है, इसमें हमें जो है ना दो कॉइन ऐड करने होते हैं, एक तो मेटिक है, मेटाफोर्स में मेटिक भी होने चाहिए थोड़े से, और डाई कॉइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस का निशान आ रहा है, मेटिक के ऊपर कोने पर प्लस का निशान आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे और ऐड टोकन, यहाँ पर आप लिखेंगे कौन सा टोकन आप ऐड करना चाहते हैं। तो हम DAI लिखते हैं, डाई, ठीक है। इसके सामने प्लस का निशान आ रहा है तो प्लस पर आप क्लिक कर दें, तो ये हमारा कॉइन इधर आ जाएगा। और उसके बाद हमें इसमें जो है ना फ़ंड ले आना है। तो आप अपने अपलाइंट से कॉन्टेक्ट करेंगे किस तरह से फ़ंड इसमें डिपॉजिट किया जाता है और किस तरह से हम डॉलर्स बाय करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अगर डाई कॉइन ले आना चाहते हैं तो डाई पर क्लिक करें, और यहाँ पर रिसीव, रिसीव का ऑप्शन आ रहा है, रिसीव पर क्लिक करेंगे। ये एड्रेस आ गया, इस पर ले आना चाहते हैं, इसको कॉपी करें। ये आप अपने अपलाइन को सेंड कर दें कि मुझे इस पर डॉलर्स चाहिए। तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बिनांस का अकाउंट है तो आप वहाँ से डॉलर्स बाई करके यहाँ पर जो है ना ले आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो का इंतज़ार करें, और मेटाफोर्स की ज्वाइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें ज्वाइन करें और मज़ा लें।